जनता दुखी है। जनता को जहां वोट के माध्यम से अपना उसने निर्णय सुनाया तो सुना दिया, आंदोलन के माध्यम से आंदोलन चली रहे, ये सरकारी ताकत पे, सरकारी गुंडागर्दी के आधार पे देश की जनता को दबाना चाहते हैं। महंगाई कहां चली गई, गैस का सिलेंडर कहां था, कहां चला गया, तो पैसे तो जनता की जेब से जाते हैं ना, तो उसका रिजल्ट तो देगी भाई, प्रसाद तो देगी ना जनता। जनता के मंदिर में गया तो उन्होंने प्रसाद दे दिया इनको, प्रसाद तो उसी का परिणाम खुश होकर दिया जाता है। हाँ नहीं, खुश हो गई तो दिया प्रसाद ही भाई, प्रसाद ही तो दिया जनता पे, तो यही तो प्रसाद है, तो दे दिया, किसी को कमती मिल गया, किसी को ज्यादा मिल गया। अच्छा ठीक है साहब, एनालावाद का जो रिजल्ट हुआ है हरियाणा में, उन्होंने कृषि कानून के संदर्भ में ही अपनी विधायकी पद से इस्तीफा, हाँ दिया था, फिर वो जीते। हाँ, ये जीत चौटाला साहब की है, कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन है उसकी जीत है, किसानों की जीत है, मुद्दे की जीत है, ये तो किसानों की जीत, इसको मान लेंगे भाई। उन्होंने दिया तो जो उन्होंने दिया, जनता ने उनको लौटा दिया वापसी, तो हरियाणा में किसान जीत हासिल, ये सारी जगह हुई। जिस तरह से इनकी गुंडागर्दी चल रही है, जिस तरह से ये देश को बेचना चाहते हैं, तो आम जनता की समझ में आ गया। मंदिर का इशू पर तो अब वोट मांगी नहीं उन्होंने, वो तो 24 लोग को बनाकर उसका वो करेंगे, फिर जब मांगेंगे कि हमने बना दिया। पहले ये कहते थे कि हमें 4 दिन का, 1 हफ्ते का टाइम दे दो, बनका खड़ा कर देंगे, अब लोग को बनाया नहीं, फाउंडेशन ही डाला, तो क्या मंदिर से वोट तलाश कर रहे हैं क्या? संयुक्त किसान मोर्चा ने जो अपने बयान में बात कही कि जो सरकारी नीतियां हैं वो जनता के हितों से मेल नहीं खाती है, इसलिए ये हार हुई है बीजेपी की। हाँ तो बात तो ठीक ही कह रहे हैं ना, संयुक्त मोर्चा भी कह रहा, पूरी जनता कह रही देश की, भाई जो ये चीज कह रहे हैं वो कर नहीं रहे, कागजों पर कह रहे वो धरातल पर नहीं है। महंगाई बहुत भयंकर तरीके से बढ़ रही, फसलें किसान की बिक नहीं रही, तो पूर्ण रूप से परेशान है देश की जनता। हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि महंगाई को विपक्ष यानी कि कांग्रेस जो जीती है वो जनता के बीच उठाने में, ले जाने में सफल रही, उन्होंने महंगाई को मुद्दा बना दिया। महंगाई एक वैश्विक समस्या है लेकिन महंगाई के कारण हम हारे, तो हिमाचल की हार महंगाई के कारण हार है या किसान की समस्याओं को लेकर, किसी कानून को लेकर, किसानों के आंदोलन की? ये सारे एक ही जगह तो जुड़ते हैं, देश में हर आदमी की वोट की कीमत बराबर है, कोई महंगाई से त्रस्त है, जो किसान है वो किसानी से त्रस्त है, तो हर आदमी त्रस्त है, तो त्रस्त है तो आदमी ने दूसरी तरफ वोट कर दिया। ये हार जिस राज्य में बीजेपी हारी उस राज्य की सरकार की हार है, केंद्र सरकार की हार है, या बीजेपी जो राजनीतिक पार्टी है उसकी हार है? बीजेपी तो कुछ है ही नहीं, ये तो सरकार की हार है, बीजेपी है कहाँ, ये तो मोदी सरकार है, मोदी सरकार को कंपनियां चलाती हैं, बीजेपी तो नाम नाम की रहेगी, उनके हाथ में रहे कहाँ गया, वे तो अपना नाम जिंदा रह जा, हमारा लोगो जिंदा रह जा, उसी में ही खुश हैं वे तो, उनका रहे क्या गया, निमट लिया केस उनका, उनका सिर्फ लोगो है, वे अपना लोगो को बेच रहे, और तो सब तो कंपनियां आएगी नीचे, तो अपने लोगो की वो रॉयल्टी ले लें, रॉयल्टी में उनको 5-7 उनको वो सीटें मिली गई, रॉयल्टी में इतना तो मिल जा भाई, को किताब लिख के उसके आने वाली पीढ़ी को भी मिले, तो इनको रॉयल्टी मिलती रहेगी इतनी। ये जीत हार टिकैत जी को कितना प्रोत्साहित करता है, किसान आंदोलन को कितना प्रोत्साहित करता है, और आगे की जो रणनीति आपकी होगी उस पर क्या कुछ बदलाव होगा, क्या मंथन आप लोग कर रहे हैं? देखो हमारी ये बात नहीं मानेंगे, हम इनके खिलाफ पूरे देश भर में जाएंगे, सरकार के खिलाफ, क्योंकि हार जीत सरकार की पॉलिसी करवाती है, पार्टियां तो एक चेहरा होती है, जिस पार्टी की सरकार बन जाती है उसकी पॉलिसी क्या है, उस पॉलिसी के आधार पे उन पार्टियों की फिर हार जीत होती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में असम और मध्य प्रदेश जो एक किसानी प्रदेश है, वहां क्यों नहीं आपका जादू चल पाया? चल जाएगा भाई, आसाम में तो किसान छोड़ रहे ही नहीं, वहां तो मजदूर है,
और जो मजदूर बागानों में काम करता है तो उसी के रहमोक्रम पर काम करेगा, उनको पता ही नहीं देश समाज का और उसका कहीं का। आप ब्राजील में चले जाओ, वहां की 80% जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, वो 285 लोगों के पास में है। मध्य प्रदेश तो गुंडागर्दी का आपने देख लिया क्या हाल है, उनसे आवाज कोई उठा सकता है मध्य प्रदेश? भाई मध्य प्रदेश चुनी हुई सरकार को तोड़ना, उनके विधायक को तोड़ना, उनकी फाइल खोलना, गुंडागर्दी और उनके कागज पत्र निकालना कि किसने छज्जा बाहर निकाल रखा, सिर्फ छज्जा उसी का ही दिखाई देता है आदमी का, जिसने जो हमारे साथ नहीं है तो उसका छज्जा अंदर वाला छज्जा भी उनको बाहर दिखता है, और जो हमारे पार्टी के साथ में है वो बाहर आधी सड़क घेर लो, वो घेर लो, तो लूट मचा रहे हैं। आंदोलन तेज करेंगे, हाँ करेंगे, आंदोलन तेज करेंगे मध्य प्रदेश में भी करेंगे।